अच्छा कुड़ी वाले हुण फोटो मंगदे नेगे। ओ यार यार मेरे तो टैनिंग बहुत हुई पई हुण, फोटो तो मैं भेज नहीं सकदा। की कहिंदे जे फोटो नाल रिश्ता तोड़ देणगे? ओ ना यार, फोटो तो मैनू भेजनी पैनी है यार। न्यू ब्लॉसम कॉस्मैटिक लेजर क्लीनिक। ओ रुक जा मैनू डॉक्टर मिल गए, मैं इन्हां नूं पुछदा भी मेरी टैनिंग किवें खत्म होगी। हाँ भेज दें आप, बस मैं ट्रीटमेंट करवा ला, भेज दें फोटो आप। चंगा ओके। सत श्री अकाल जी। असल च ना मैम मेरा रिश्ता हो रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत बधाइयां। तो जी कुड़ी वाले मेरे तो फोटो मंग रहे हैं। ओके। तो स्किन ते काफ़ी टाइनिंग हुई है, तो वो करके मैं कहना तुम मैं कोई क्रीमा दो ते जिन्हें टाइनिंग दूर होगी। तो आड़े ते ना क्रीमा ने कोई असर नहीं करना, ते तुहानू ट्रीटमेंट ही लाना पैना। मैम असल च ना मैं कल ही फोटो भेजने नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी अपनी टाइनिंग दूर करना चाहना जी। देखो सीधी जी गल है, क्रीमा तो मैं तुम दस्या कोई असर नहीं होएगा, तो ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट वास्ते साढ़े को बहुत वधिया लेजर हैगी है, ट्रीटमेंट हैगा लेजर टोनिंग। अगर तुसी कल ही फोटो भेजनी है तो अज एक सिटिंग करांगे आपां, तो कल सवेर तक तुहाडा मूँह बिल्कुल वधिया फर्स्ट क्लास हो जाएगा। लेजर जी? मैम मैनूं तां लेजर तो बहुत डर लगता जी, ये कम किवें करदी ने? लेजर तो कोई डरन वाली गल नहीं, मैं तुहानूं अज अपनियां सारियां मशीनां भी विखानी आ, तुहानूं इह भी समझानी आ कि किवें काम करदा, कोई इहदे च डर वाली गल है नहीं। और बहुत फास्ट फॉरवर्ड जो रिजल्ट आएगा वो लेजर नाल ही आना है। ठीक है ना? मैम ये है जी मशीन? हाँ जी। ये तो मैं काफ़ी कॉस्टली लगती है। हाँ जी। इन्ना तो मैं टाइम भी नहीं है जी। अच्छा ये काम किवें करदी है? देखो ये मशीन वड्डियां भी ने, तो देखने तुहानूं थोड़े डरावनी भी लग सकदे ने, बट ये बहुत बहुत वधिया काम कर दी। जब आप लगता है कि अपने को ज़्यादा टाइम नहीं है या आप स्किन की पहला कितने संभाल नहीं की, फिर आपको डीपर करैक्शन की जरूरत है। आप मसाज नाल फर्क नहीं पैना अगर आप टैनिंग तुहाडी स्किन बारे गल करिए, फिर अपने को स्किन के नीचे वाली लेयर आप टारगेट करना है ना, तो उन्हें वास्ते आप लेजर लाइट बहुत वधिया काम करती है। तो इन्हें कोई भी डरन वाली गल नहीं होंगी, बिकॉज लेजर सिंपल जिमें आ वाली लेजर है, क्यूस में लेजर होंगी है, उन्दे सिर्फ तुहानू थोड़ी थोड़ी हीट फील होंदी है स्किन दे उत्ते, ते उपर वाली जिन्नी भी डेड लेयर होंदी है वो सारी उतर जांदी है। मैम जदों ट्रीटमेंट हो जांदा जी, उस तों बाद स्किन दी केयर वास्ते की करना पैंदा जी? स्किन दी केयर बहुत नॉर्मल रहिंदी है, कोई भी करा सकदा है, जिवें बॉयज़ भी कराउंदे आ, तो टेंशन लैण दी बिल्कुल भी लोड़ नहीं होंदी कि अज ये लाना पएगा वो लाना पएगा। हाँ ये जरूर है कि जो तुसीं थोड़ा जिहा हुण पैसे खर्चे ने ट्रीटमेंट लिया है, तो कम से कम स्किन नूं मॉइस्चराइज़ करना, नॉर्मल एक SPF लगाना, फिर अगर आपां नूं कोई नाइट सीरम दी लोड़ है वो लगाना, थोड़ी जी आपां नूं हल्का जिहा एफर्ट करन दे नाल ही अगर आपां नूं वधिया ग्लो मिलदा है तो मैनूं लगदा कर लैणा चाहीदा। सो मैम ये तां सी लेजर टोनिंग वाला ट्रीटमेंट, सो एक मैं होर भी सुने सी कैमिकल पील बारे, सो ओदे बारे दसो मैम मैनू। पील तुहाडे ते बिल्कुल काम नहीं करनी, तुहानू कैमिकल पीना ही पैना। अच्छा जी ठीक है जी, फिर भी मैम वो काम किवें करदा जी? सो केमिकल पील्स आर बेसिकली कि एक्सट्रैक्ट होते हैं जैसे नेचुरल चीज़ों के, तो जब हमें लगता है कि यू नो कि टॉपिकल क्रीम्स फेल हो गया या द डैमेज इज क्वाइट डीप, तो फिर उस टाइम पे हमें जब सेल्स की रीजनरेशन की ज़रूरत है तभी एक पील्स का बहुत अच्छा रोल आ जाता है। ठीक है, सो दे आर लाइक हम लोग जो यूज़ करते हैं तो माइल्ड स्ट्रेंथ में भी होती हैं, मीडियम भी होती हैं, डीप पील्स भी होती हैं, जिसमें कि हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर जो हम डिसाइड करते हैं पील की, उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि स्किन पील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या हम किस इंडिकेशन के लिए वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर सपोज हमने टैनिंग के लिए करना है तो कोई नेसेसरी नहीं है कि हमने डीप पील करनी है, उसमें हमारा मीडियम पील से भी काम चल जाता है, उसमें आपका वो दो दिन का एक ड्राइनेस वाला फेज़ आता है और स्किन आपकी दो दिन के बाद नॉर्मल हो जाती है। सो इस तरीके से पील्स का एक डिसीजन रहता है। एक्सक्यूज मी, हेलो रिश्ता टूट गया? फोटो कितने देख ली? कुड़ी वाले जवाब देखे? चल ठीक है मैडम, मैं मैम कुड़ी वाले तो जवाब देंगे जी। ठीक है जी, मैं फिर ही आऊँगा जो कुड़ी लग गई। रुको मेरी गल सुनो, तुसी पहला स्किन ते पैसे लाओ फिर तुसी कुड़े ते पैसे लायो। गल तो थोड़ी सही है जी, फिर मैं सवेरे आना या स्किन का ट्रीटमेंट कराऊँ? ठीक है मैम, थैंक यू जी, थैंक यू मैम।